नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा की आज की कड़ी आगे के लिए बहुत बड़ा क्लू देके गई, जिसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए और आप लोगों ने देखे और अपने कमेंट्स के जरिए, अपने वॉइस ओवर्स के जरिए हमें अपनी फीलिंग को भेजा। तो सुनाती हूँ आपके वॉइस ओवर्स, ऑडियो सुनाती हूँ आपके, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी सहेलियों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था और शुरुआत अंकुश और अनु से हुई। वो दोनों बिजनेस की बात कर रहे थे और बाद में अनुज अनुपमा के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। वो भी बहुत अच्छा सीन लगा। बाद में अनुपमा की एंट्री होती है, वो भी अपने और अनुज के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। बाद में अनुपमा का डायलॉग बोलना कि एक हक की कीमत आप क्या जानो अनुज बाबू, ये सीन तो बहुत ही अच्छा लगा। और इन दोनों के रोमांस का तो क्या ही कहना, ये दोनों ही इस शो की जान हैं। इन दोनों के बिना सीरियल देखना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई सीन तो होते हैं जिसमें ये दोनों दिखाई नहीं देते। और चलो सीरियल है, कोई बात नहीं। और बाद में वनराज शाह का सीन आता है जो काव्या को क्लियर करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसे मेरे सिर पर मत थोपना। और उसने क्लियर शब्दों में कहा कि जो डिम्पी के पेट में बच्चा है वो हमारे शाह का खून है, ये बच्चा नहीं है। वो तो इसकी बातें बहुत ही घटिया हैं। वो पहली वाली पोजीशन में ही आ चुका है। और पाखी ने जैसे आज छोटी से फिर से बदतमीजी से बात की कि मम्मी जब मेरा बेबी आ जाएगा तो मम्मी तुम्हें भूल जाएगी, मेरे बेबी को ही सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। छोटी का बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, छोटी ने बहुत अच्छा जवाब दिया पाखी को, उसका मुँह तोड़ दिया कि जो भी कहा कि पाखी दीदी आप इतनी बड़ी हो गई हो, आप मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे से उसने जवाब दिया, ऐसा ही होना चाहिए। और बाद में अनुपमा का अनुज को खाना खिलाना, वो भी बहुत अच्छा सीन था। और फिर से दोबारा अमेरिका की बात छिड़ी। मुझे लगता है कि ये अमेरिका वाला लीप बहुत जल्दी ही आने वाला है, जो बार बार अब अमेरिका की बात छिड़ रही है। और दूसरी बात कि अब इन दोनों को जो छोटी वाला सीन आ रहा है, प्रोमो दिखा रहे हैं कि जो उसकी कंप्लेन आई है, और इन दोनों को उस बात पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मालती देवी कोई ना कोई कांड जरूर करेगी जिसके बाद ये दोनों पछताएंगे। और मुझे लगता है कि अनुज और अनुपमा को अब इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। और बाद में सीन देखा, रोमिल अपनी पैकिंग कर रहा था, अनुपमा भी उसकी मदद कर रही थी पैकिंग करने में, वो भी सीन अच्छा था। और मुझे यही लगता है कि अब अनुपमा और अनुज को कोई फैसला इस बात पर जरूर लेना चाहिए। और आगे सीरियल है, देखते हैं क्या करते हैं। मुझे लगता है कि शायद जैसे वनराज बोल रहा है बार बार डिम्पी को कि कहीं कभी एकेडमी जाने से रोकता है, कभी तपिश उसको फ़ोन कर रहा होता है, वो भी देखता है कि ये इसको बार बार फ़ोन कर रहा है, उसे भी रोकना टोकना। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही ये इसके साथ करता रहो तो कहीं मुझे लगता है कि इसका कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। पहले भी खबरें बहुत आई थी कि डिम्पी का मिसकैरेज हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। कुमुद जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कल पूछा कि आपके पापा आपके साथ क्यों नहीं रहते। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो नहीं रहना चाहते मेरे साथ और मैं अपने मम्मी पापा की एक ही बेटी हूँ, लेकिन वो वहाँ रहना पसंद करेंगे लेकिन मेरे साथ नहीं। इसलिए दिल से आपको थैंक यू कुमुद जी और रानी महेंद्र जी,
एक इनका दीदी का नाम शायद सुरैया सुरैया है, और किरण जी। कल आप सबको मेरा ऑडियो बहुत अच्छा लगा, इसलिए दिल से थैंक यू वर्षा, महिमा, रेखा जी, सबको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उसके लिए दिल से थैंक यू। और रंजू जी, आज डिम्पी प्रेग्नेंट है, वो स्ट्रांग है, लेकिन समर का साथ नहीं है उसे। लेकिन कल जो मैं कहना चाहती थी कि जब किंजल माँ बनने वाली थी उसे तो हर वक्त अनुपमा चाहिए थी, तब तो अनुपमा इनके साथ भी नहीं रहती थी, वो अलग रहती थी। और जब किंजल की तबीयत बिगड़ती और अनुपमा को बुलाते, तब यही बा और वनराज अनुपमा को फैसला सुना देते, लेकिन तब भी बापूजी कहते कि फैसला मत सुनाओ, सिर्फ रिक्वेस्ट करो कि वो यहाँ रहना चाहती है या नहीं, वो फैसला उसका होगा, तुम लोग उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हो। लेकिन फिर भी अनुपमा रही, और आज वनराज शाही कह रहा है कि तुम्हें वहां आने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किंजल माँ बनने वाली थी तो उसे सब लोग उसे चाहिए थे, और आज डिम्पी कुछ बोलती नहीं है इसलिए उसे कोई किसी की जरूरत नहीं है। किंजल के टाइम पे अनुपमा की जरूरत है और डिम्पी को नहीं है अनुपमा की। और आज सच में छोटी ने बहुत ही अच्छा किया, पाखी को जवाब देके बहुत अच्छा लगा कि मेरे मम्मी पापा ने कान्हा जी के सामने कसम खाई है, वो मुझे ना ही कभी छोड़ेंगे और ना ही मुझे अनाथ आश्रम भेजेंगे। ये लड़की को अधिक ने इतना कुछ कहा, लेकिन ये लड़की कितनी बेशर्म है कि आज भी वैसे ही कह रही है कि जब मेरा छोटा बेबी आ जाएगा तो वो तुम्हें भूल जाएंगे। अरे IVF कराने के लिए भी इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ये चाहिए, ठीक होने चाहिए, लेकिन इसका तो दिमागी बीमार है, इसकी सोच इतनी घटिया है। बच्चा चाहिए लेकिन कौन संभालेगा? मम्मी। उसी माँ को बुरा कहो भला कहो, जो मन में आए वो बोलो, लेकिन जब बच्चा संभालने की बारी आती है तब माँ चाहिए इनको। छी, कितनी घटिया सोच है पाकी की। और आज सच में अंकुश और अनुज का जो भी सीन था बहुत अच्छा लगा, कि तू तो वहीं का रहने वाला है फिर तू यहाँ, तुझे वहां जाने का मन नहीं करता क्या? बिल्कुल सही कहा अनुज ने कि जब तक मैं वहां था, जब तक अनुपमा मेरे सामने नहीं थी, तब तक मैं वहां अनुपमा के बिना रहा, लेकिन जब यहाँ आया अनुपमा से मिला उसके बाद अब मैं सिर्फ एक ही जगह स्थिर रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है मेरी भागदौड़ बंद हो गई है, हम दोनों ही एक साथ रहे और एक साथ बूढ़े हो और पहले की सारी बातें याद करें। सच में बहुत अच्छा सीन था वो। और सच कहा आपने, काव्या एक इंडिपेंडेंट लड़की है, वो कोई भी एक नतीजे पे पहुंचना चाहती है, बीच में रहना नहीं चाहती। और अनुपमा ने जो कुछ काव्या से कहा वो सच कहा, वो कोई गिल्ड नहीं है। वनराज शाह जैसा इंसान ना कभी सुधरा है ना कभी सुधरेगा, वो बिल्कुल कुत्ते की दूम है। जैसा आज टीटू का फोन आया तो उसका चेहरा देखा था सबने, कितना उसके आंखों में गुस्सा आ गया था कि उसने फोन क्यों किया। अरे वो तुम्हारे घर की बहू है, कोई तुम्हारी गुलाम नहीं है, जो उसे ना कहीं जाना है ना जाने देना है ना कहीं आने देना है, उसके ऊपर पूरी तरह नजर रखनी है। डिम्पी का चौकीदार बन के रह गया है। छी, कितनी घटिया है दे, वनराज सा कभी नहीं सुधर सकता, वो भी घटिया है, जिसने खुद ही गलत किया हो उसे सब लोग वैसे ही दिखते हैं। अनुज और अनुपमा का भी कुछ नहीं था, तब भी उसने अनुज और अनुपमा के ऊपर कीचड़ उछाला था, क्योंकि अनुपमा का प्रपोजल पास हुआ था और वनराज शाह का नहीं। और आज भी वो वही सब कर रहा है। तो पहले मेरिट रखने की याद नहीं आई? पहले क्यों अनुपमा को बुलाते थे, पहले रख देते। और आज जो अनुज और अनुपमा का भी जो सीन हुआ अंजू जी, वो भी सच में बहुत अच्छा था। जिस तरीके से अनुपमा आई, अनुज को अंकुश के जाने के बाद हक किया, तो क्या हुआ? तब वो कहता है, सुबह की बात से तुम परेशान हो, परेशान मत हो, या कुछ और भी बात है। सच में अनुज अनुपमा की आंखें पढ़ लेता है।
ये दोनों की बाउंडिंग की बहुत अच्छी है अंजू जी, बहुत ही अच्छा लगता है इन दोनों का सीन। आज सच में बहुत अच्छा सीन था दोनों का, दोनों का जो खाना खाने का सीन है, या पहले का, जो पहले का भी सीन था जब वो आती है और तब उन दोनों का कि आप क्या जाने अनुज बाबू, एक हक की क्या कीमत होती है, क्या मैं सिर्फ घर पे ही आपकी बीवी हूँ तभी प्यार कर सकती हूँ। तो कहता ऑफिस है, तो कपाड़िया जी पहले भी तो ऑफिस में आप लोग रोमांस करते थे, तब तो आपने अनुपमा को डांस करने के लिए कहा था, तब भी तो सीसीटीवी कैमरे थे, अभी है वैसा तो नहीं है। सच में ये दोनों बहुत ही क्यूट है, दोनों में इतना प्यार है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, जो आज अनुज खुद कह भी रहा है, लेकिन आज फिर भी अनुज से एक शिकायत है, जब वो कहता है कि जब भी मैं तुमसे अमेरिका की बात करते तो तुम चुप हो जाती हो, तो अनुज कपाड़िया जी आप शायद भूल गए कि आपकी पत्नी का एक सपना था कि अमेरिका जाके डांस करना, जो पूरा नहीं हुआ है। और सच में वो पता नहीं अनुपमा का, जैसे अमेरिका नाम आता है वो एकदम चुप ही हो जाती है, सभी बहनें कहती है ना हर बार कि अनुपमा अनुज को कुछ नहीं बताती, खुद ही करती खुद। तो जब अनुज अनुपमा वनराज की बीवी थी तब भी वो पति पत्नी के झगड़े कभी बाहर नहीं आने दिए थे, एक बार तो इतनी बुरी तरीके से वनराज ने अनुपमा को कमरे से बाहर निकाल दिया था, तब अनुपमा को पैनिक अटैक आया था, और उस टाइम देविका उसे अपने घर लेके गई थी, वो घर के बाहर जो उनकी झूला और घर के बाहर जो सोफा रखा हुआ है बैठने की, जो चेयर रखी उसके पीछे बैठ के वो रो रही थी, और जैसे देविका हाथ लगाती वो बहुत डर जाती है और घर नहीं जाना करती रहती है, तब देविका उसे अपने घर लेके जाती है, प्यार से समझाती है, और दूसरे दिन फिर वो सुबह घर आती है, तब अनुपमा ने किसी को उतना ये नहीं किया, तो अभी भी वो वही कर, जितने जहां तक उससे हो रहा है वो हैंडल कर रही है, जब नहीं होगा तब वो अनुज को बताएगी, लेकिन अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है, छोटी के मुंह से सब कुछ ही सुन लिया है। और गिल्ट तो नहीं है वनराज को, अकड़ है अकड़, क्योंकि जिस तरह के आज उसने काव्या से बात की ना उससे पता चल जाता है, जब पागल थे तब तुम्हें काव्या की जरूरत थी, और आज जब ठीक होके आए हो, वो भी कैसा ठीक होके आया, तब काव्या की जरूरत नहीं है, क्यों ये बच्चा मुझ पे मत थोपो, इससे अच्छा तो काव्या को वहां रहना ही नहीं चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है वो वनराज, काव्या को वनराज की भी, वो खुद अपने बच्चे को संभाल सकती है। आज सबसे बेस्ट सीन था छोटी वाला, जो छोटी ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकी को, और दूसरा अनुज और अनुपमा के बीच का, जो खाना खाते थे तब का भी, कि बीवी आप प्यार सिर्फ खाने के खाना बना के ही क्यों, मतलब प्यार जताती है, प्यार जताना है तो मुझसे सीखो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। सच में बहुत अच्छा सीन था अंजू जी आज, देखते हैं आप आगे क्या दिखाते सीरियल में, लेकिन मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, रानी रानी महेंद्र जी, सुरैया जी, किरण जी, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच, और सबसे बड़ा थैंक यू अंजू जी आपको, कि आपको भी कल मेरा ऑडियो बहुत अच्छा लगा, और कुमुद जी आपको भी दिल से थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, बाकी सब भी बहनों के ऑडियो कल भी अच्छे थे, कल कम थे, मनीषा जी का, वर्षा का, मनीषा जी का ऑडियो नहीं आया कल, महिमा का भी नहीं आया, संदीप्ति का भी नहीं आया, सबको मिस किया जिनका ऑडियो नहीं आया उनका, इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और हाँ अंजू जी, जो रोमिल वाला सीन आया सच में वो भी बहुत अच्छा लगा, कि अब वो जा रहा है अनुपम पैकिंग करके दे रही है, उसे रोना आ रहा है, कितने प्यार से वो समझा दे कि जब तुम भी आए थे तब तुम भी हमसे गुस्सा थे, जब तुमने हमें पहचाना, हमें समझा, तो तुम्हारी मम्मी को भी समझो, ये अनुपमा है जो कभी भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, गलत नहीं सिखाएगी,
अब देखते हैं छोटी का क्या मैटर है, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा रोमिल और अनुपमा वाला सीन, अनुपमा और अनुज वाला सीन, और छोटी और पाखी वाला सीन, सबसे आज के सीरियल में वो बेस्ट सीन थे। बहुत अच्छा लगा अंजू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंजू जी, आपको दिल से थैंक यू, और कुमुद जी आपको भी थैंक यू। सॉरी अंजू जी, लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि पाखी को बच्चा चाहिए, लेकिन वो बच्चा संभालेगा कौन? अनुपमा। अब देखते आगे क्या दिखाते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। ख्याति जी, कल आपका ऑडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छुआ, और मेरे दिल की बात आपने कही बहुत अच्छा, एक एक पॉइंट आपके बहुत सही थे, और मैंने भी बहुत बार कोशिश की ये बात बताने समझाने की कि अनुपमा का नहीं है गलत, और उस पर इतने इल्ज़ाम लगाना भी गलत नहीं, ठीक है, पर आप बहुत अच्छे से समझाए, आपके पॉइंट बहुत अच्छे थे, सच में बहुत दिल को छू गए आपकी बातें वो। और उसमें आप कह रही थी कि बहुत कुछ जोड़ना था, पर जो आप टाइम के वजह से नहीं जोड़ पाए, एक पॉइंट मैं भी आपके उसमें जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अभी छोटी के लिए बोलना है ना, तो माया ट्रैक में फिर से जाना पड़ेगा मुझे, कि माया ट्रैक में यही हुआ था जब छोटी ने जीत पकड़ ली थी अनुपमा माया को, माया के लिए, तो अनुपमा ने वो डिसीजन लिया था माया को अपने घर रखने का, वो 15 दिन देना और फिर अपने घर रखना, जो भी वो डिसीजन रहता है। तो मुझे बताइए कि कौन सी औरत ऐसा कर सकती है जो माया जैसी औरत को अपना, जब तो माया का हकीकत पर फिर भी वो एक औरत थी, अपने घर में रखना, जो कि काव्या कैसे धोखा खाने के बाद, काव्या और वनराज का जो धोखा, एक बार धोखा खाने के बाद कौन सी औरत रख सकती, कितना बड़ा मन होगा अनुपमा का उस समय छोटी के लिए, कि छोटी की जीत की छोटी के मन पे गलत इससे इफेक्ट नहीं करना चाहिए, छोटी को कोर्ट कचहरी या फिर ऐसा फैसला ले, इस मासूम बच्ची पे फैसला, जबरदस्ती का फैसला थोपना नहीं देना चाहती थी। तो आज अनुपमा ये गलती कैसे कर सकती है कि छोटी को, छोटी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, नहीं है, दिखाया है और बहुत बार साबित भी किया अनुपमा ने कि छोटी की तरफ ध्यान दे रही, पढ़ा रही, सब कर रही है, तो कैसे इस बात को ये कर सकते हैं, क्यों अनुपमा को इस बात पर इल्जाम लगाया जा रहा है, और वो पाखी के लिए सोच रही तो क्या गलत सोच रही पाखी। अब मुझे बताइए, पाखी का कल देख के सबको बुरा लगा कि पाखी को गले लगा लिया, पहले उसको छोड़ने की बात की, कसम खाई, कान्हा जी की सौगंध खाई, तो कौन सी माँ, अगर उसकी बच्ची जब उसको पता है कि वो माँ नहीं बन सकती है, और वो उस ये बात का दर्द अनुपमा को भी उतना ही था जितना पाखी को था, अनुपमा जताती नहीं, पाखी ढिंढोरा पिट रही उस बात का, पर अनुपमा के मन में भी बहुत बार कान्हा जी से प्रार्थना भी की उसमें, तो किस माँ को अगर ये पता चलेगा कि एक उम्मीद थी डॉक्टर ने कि वो माँ बन सकती है, तो किस माँ, वो एक पल हो जाता है, वो भूल जाती माँ इसने क्या किया, और माँ इतना हिसाब किताब रखती नहीं है, माँ कभी ये हिसाब ही नहीं रखती कि उसके बच्चे ने कितनी गलती की, क्या की, कि तूने किसके साथ गलत किया, किसके साथ गलत नहीं किया, मेरा अपमान किया, जो भी किया, तो वो पल ही था कि उसको अपनी बेटी की खुशी दिखी तो उसने उसको गले लगाया, वो पाखी जैसे बदतमीज लोग नहीं समझते उसको, तो वहां भी अपनी माँ को ताने ही मार रहे थे, वहां भी अपनी माँ का दिल ही दुखाना था, माँ बनना चाहती है पर माँ की फीलिंग नहीं समझ रही है, ये अलग बात है, पर अनुपमा वहां गलत नहीं थी, बिल्कुल गलत नहीं थी, उसने कसम खाई, क्या खाई, माँ बच्चों के लिए कसम खाए, कुछ भी खाए, पर बच्चों के लिए सब भूल जाती है, मुझे तो लगता है भाई ऐसे होता है, कसम भी खा लेती कि मैं इसके बाद ऐसा नहीं करूंगी, जो भी है, पर माँ के लिए वो कसम वसम भी कोई मायने नहीं रखती, हालांकि वो अलग अलग बात थी, वो कसम वाला बात अलग थी कि उसने, वो वर्डिंग ही अलग था कि उसने अलग वे में कहा था कि अगर तू नहीं सुधरी तो मैं कान्हा जी की सौगंध तुझे छोड़ दूंगी, वो अलग बात थी और ये अलग बात है, पर मैं कह रही मेरी तरफ से कि अगर ऐसा कोई कसम भी खा लेगी ना गुस्से में माँ, तो वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाएगी अपने बच्चे के लिए, ऐसी 17 कसम छोड़ दे, मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ ऐसी होती है। दूसरी बात है कि वनराज का आज के शो के बारे में, कि वनराज ने जो कहा, तो मैंने कल ही कहा था कि वनराज का एक ही एजेंडा है डिम्पल, क्योंकि डिम्पल को वो ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो समर के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसने आज साबित कर दिया कि शाह परिवार का खून आने वाला है, तो मुझे उसके केयर करना है, वो बहू है मेरी, और वो जो भी कहता है, वो आज अपना कमीनापन उसने फिर से दिखाया कि उसे काव्या के बच्चे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, काव्या का बच्चे को थोपना चाहता, तो मुझे यही कहना था कि कोई जबरदस्ती किसी ने की नहीं की थी, अनुपमा ने भी यही कहा था कि वनराज से कि तुम्हारा फैसला होगा तुम सोचो, पर आज वो गलत टाइम पे, सच कहा कि तो कल भी उसने जो अनुपमा से कहा वो भी गलत समय पे गलत फैसला लिया, आज भी उसने यही काम किया कि आज उसकी लास्ट टाइमिंग है
डिलीवरी की कुछ महीने, एक आध महीने ही बचा होगा शायद, एक डेढ़ महीना, तो उसका इस समय किस क्या बोलना बोलते हैं आप किसी से कि मैं उस बच्चे को अपनाऊंगा नहीं। आज उसको एक उम्मीद दी तुमने, झूठी उम्मीद दी, तब मतलब तुम्हारा स्वार्थ था कि तुम्हें लोगों के सामने ये नहीं दिखाना था कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ, तुम्हारा बच्चा नहीं, ताकि तुम्हें लोग हंसे ना, तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, तुम्हारी मर्द होने पर शक ना करे लोग, यही वर्डिंग थे ना अनुज वनराज के उस समय जब वो अनुपमा से बात करता है कि ये बात अनुज को भी मत बताना क्योंकि वो अनुज के नजरों में भी गिरना नहीं चाहता, क्योंकि हमेशा अनुज को वो अनुज से नीचा देखता ही नहीं अपने आप को, तो वो यही सब था ना फिर, तब तुम अपने स्वार्थ के लिए, और आज जब ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं सब नॉर्मल है सब ठीक है, तो आज तुम फिर उससे पल्ला झाड़ रहे हो। ये सब पहले कहा होता तो शायद काव्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटली तैयार रहती, या फिर आज इतनी उम्मीद बा उसको अपना रही, सब अपना रहे, इतनी उम्मीद देने के बाद उसके से ये उम्मीद छीन रही होती है, गलत है, बहुत गलत, वनराज से घटिया ही कर सकता है वनराज, बहुत गलत किया आज, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वनराज का, पर क्या करे वो कैरेक्टर ही ऐसा है, भगवान बनाया मेकर ने, तो क्या कर सकते, झेलना तो पड़ेगा इसे। और दूसरी बात है कि डिंपल के साथ भी, डिंपल के साथ कल भी वो डिसीजन गलत था वनराज का, क्योंकि आज है जरूरत है वनराज को, डिंपल को, अनुपमा की प्रेग्नेंट है वो, हम किंजल के समय तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि माँ है आना ही पड़ेगा, अनु जब बोलता था कि नहीं आएगी अनुपमा, वो पाकि के समय तो बोले उसके उसकी माँ है, उसका काम है, उसे आने चाहिएगा, हर बार फोन करते थे, हर बार चले जाते थे दौड़े भागे, तो वो तब तब सब सही था क्या, और आज तुमको लगने लगा कि तुम्हारा अभी कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं, वो अनुपमा से डर रहा है, उसको पता है क्रांतिकारी अनुपमा वहाँ पे डिम्पल की को सपोर्ट करेगी, वो नहीं चाहता कि टीटू उसे दूर रखना चाहता है वो उसको, कि कहीं टीटू के साथ चली जाएगी तो ये मेरा मेरा समर का बेटा मेरे से छीन जाएगा, ये डर है उसके मन में, इसलिए वो अनुपमा को इन सब से दूर रखना चाहता है, बहुत घटिया इंसान है और बहुत गलत कर रहा है, कुछ गलत ना हो जाए बस इसी बात का डर है कि बा बापू जी की भी इलाज नहीं, वहां नहीं ध्यान दे रहा कि बापू जी को इलाज की प्रॉपर इलाज की जरूरत है, बस चलो ना बापू जी नहीं जबरदस्ती डॉक्टर को ला नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हाँ मैड रखना अच्छे भगवान, बहुत सही किया कि अनुपमा, अरे अनुपमा ने इस बात का कही कि बा बापू जी को खाना अपने हाथ से माँ बाबू जी को अपने यानी बा बाबू जी को घर का बना खाना अच्छा लगता है मैड का नहीं, तो वो अनुपमा को सर बात ही वो इस तरीके से करता है वनराज की, तुम दूर रहो, ज़्यादा मिलो मत, ज़्यादा आओ मत, जो भी कहता तो उस वे में बोलता है, रुक के कहता मैंने उनके लिए मैड रखी जो भी रखा, तो ऐसे समय ऐसे दिख लेगा कि वो रहता ना एकदम तकलीफ दे रहा, और तो वो तो बोलेगी ना कि मैड का हाथ का खाना बा बाबू जी को पसंद नहीं है, वो तो बदलाव में विश्वास रखती है अनुपमा, और वो बाकी का तो क्या रोटी वगैरह ही खाना बनाना है, रोटी बनाना है सबसे ज्यादा कठिन काम है, कुकर वगैरह तो जनरली चलते फिरते हैं, अभी काव्या ठीक है, डिंपल भी ठीक है, तो कर सकती है छोटे मोटे काम, सब्जी वब्जी भाभी बना सकती है कि वहाँ डिंपल वगैरह है इतना छोटा बहुत काम करने के लिए, तो वनराज को सिखा दो, वनराज सीखेगा चाहता ही है ना, तो वो अलग बात है, देखते हैं वो। पर आज का शो आज के में उसमें वो भी कहा अच्छा लगा कि आज अनुज और अंकुश की बातें बहुत अच्छी लगी, ऑफिस में अनुपमा मैंने वो याद किया जा रहा है कि अमेरिका वाली बात को लेके फिर से अमेरिका आ गया टॉपिक में, तो अमेरिका को लेके फिर वो याद करता अनुपमा की, और वो सॉन्ग बजना मेरा फेवरेट सॉन्ग आज मेकर ने पूरा बजाया, बहुत अच्छा लगा वो, और ओ अनुपमा तू मेरा दिल तू मेरी जान, वो टोटल सॉन्ग जो अच्छा लगा वो। और दूसरी बात है कि आज अंकुश के वर्ड बहुत अच्छे लगे, लक्ष्मी बोला आज उसने अनुपमा को, वाकई में लक्ष्मी है अनुपमा, जब वनराज के साथ थी तब वनराज की भी नौकरी कितने अच्छी थी, उसका कितने अच्छे जॉब था और कितने अच्छे पोस्ट पे था वो, और बहुत तरक्की भी कर रहा था, उसको उसका सब है अच्छा ही सब था, उसको घर में टेंशन नहीं थी, घर में शांतता थी, थोड़े बहुत छोटे बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं ऐसे होते थे, बहुत अच्छे से अनुपमा संभालती थी, वही आज वो अनुपमा अनुज के साथ भी वही सब एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही थी, अनुज को बता नहीं रही, उसको दर्द है, वो आज जब ऑफिस में आती है तो उस अनुज पूछता है तो उसको सब याद आता है कि वनराज ने क्या कहा, पाखी ने क्या कहा, पर वो बता नहीं पाती क्योंकि वो छोटी छोटी बातें नहीं बताती, एक पत्नी जब, और वो भी अनुज को जो इतना प्यार करता है तब वो वनराज को भी नहीं बताती थी,
सब पहुंचने नहीं देती थी वन रास्ते तक, तो वही अनुपमा आज ये भी तालमेल पर है। यहाँ पे जा साजिश करने रहे लोग लोग ज्यादा है ना, वहाँ तो बा का परिवार चल रहा था इसलिए बा तब ऐसे साजिश नहीं करती थी, यहाँ पे साजिश करने वाले तो जीने नहीं देते। पर अनुपमा की यही कोशिश रहती कि अनुज को तकलीफ ना हो, अनुज को दर्द ना हो, तो ये बात वजह है वो अनुज से छुपा नहीं बता पाती हर बात। वो भी सीन बहुत अच्छा लगा, तब भी मुझे लगा कि यार आज भी ये बोलेंगे कि अनुपमा ने बताया नहीं, मुझे लगा वो भी आज मैंने वो भी फील किया। और उसके बाद दोनों का वो रोमांटिक सीन और वो मोमेंट वो याद करना कि दौरे मुझ पे तुम दौरे क्या तो मुझे डोरे डोरे डालती थी वो वगैरह, बहुत अच्छा फनी लगा, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मान के ये सीन सच कह रही अंजू जी, मान के ये सीन देखे वाकई में ऑटोमेटिकली चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वाकई में हम ये सब मिस देखना ही ऐसे ही सब देख अच्छा ही देखना चाहती है, इसमें अच्छा भी होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। पर क्यों माँ में कहते मान को अलग करना चाहते हैं पता नहीं, नहीं दिखाना चाहिए ऐसा नहीं चाहते हम लोग। हाँ थोड़ा सा कुछ कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए थोड़ा टाइम के लिए करेंगे, पर मुझे लगता है कि अनुज की रेप नहीं दिखाएंगे, वो अनुपमा के साथ ही कुछ ऐसा हादसा या कुछ जो मेमोरी लॉस वगैरह ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत प्रेशर अनुपमा पे चारों तरफ से आया है, उसमें कहीं ना कहीं वो बापू जी के साथ भी कुछ ऐसा होगा। और सब आज हिम्मत है बापू जी उसकी हिम्मत है, बहुत बार अनुपमा ने कहा है कि उसके बाद अनुज और समर था तो समर भी गया, अभी समर को देखा उसके बाद फिर बापू जी का अगर कुछ गलत होते देखेगा तो टूटेगी वो टूटेगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा तो पता नहीं अब वो क्या होगा। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अंजू मैम मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा दोषी, मैम कल भी आपके सारे वीडियो देखे थे, मालती देवी ने अपमान का बदला लेने के लिए अनुपमा को नीचे दिखाने के लिए यह स्कूल वाला कांड करेंगी, और आखिरी वाला वीडियो था आपका, वनराज शाह ने गलत समय पे किया लेकिन काम तो सही किया है। अनुपमा को चाह ना आने देने की पीछे मुझे तो यही वजह लिख रही है कि वनराज शाह कभी भी अनुज की तारीफ नहीं सहन कर सकते। कल के आने वाले प्रोमो में दिखाया जाएगा कि अनुपमा काव्या अनुपमा से मिलने आती है और काव्या कहती है कि वी इस तरह से मेरे साथ बिहेव कर रहा है और मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तब अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि काव्या मिस्टर शाह गिल्ट में है, वनराज शाह को कभी किसी चीज़ का गिल्ट होता ही नहीं है, अनुज की तारीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती, ये कड़वा लेकिन सत्य है। आज का धारावाहिक भी देखा, आज के धारावाहिक से अनुज अनुपमा रोमांटिक सीन अच्छा लगा, खाना खाते वक्त और अनुपमा का ये कहना कि पत्नियां अपने पति को खाने के साथ में प्यार भी परोसती है, और यूके के नाम से अनुपमा के चेहरे के कुछ हाव भाव अलग थे। डिम्पल को तपिश का फोन आता है तो वनराज शाह उसके सामने घूर कर देखता है। डिम्पल किससे डरती है मैम, मुझे तो नहीं लगता डिम्पल किसी से डरती है। और बापू जी कोई बीमारी के लिए बा ने वनराज को इशारा किया कि तुम हॉस्पिटल लेके जाओ, वनराज ने काव्या को साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मैं तुम्हारी केयर करता हूँ लेकिन इस बच्चे को मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, और मैंने रिहेब सेंटर में भी बहुत शांति से सोचा, तो ये मैं डिम्पल की केयर इसलिए करता हूँ कि वो समर एक तो जिंदा नहीं है, ऊपर से वो शाह परिवार का खून है इसीलिए, और तुम्हारा जो बच्चा है वो उसे मैं अभी तक स्वीकार नहीं पाया, तुम भी इस बात को मान लो। तो काव्या क्यों इनके पास में रह रही है, और वनराज कल अनुपमा को मना कर चुके हैं कि तुम शाह हाउस नहीं आना। अनुपमा को थोड़ी तकलीफ हो रही है कि बाबा पूजी को मेट का हाथ का खाना नहीं, लेकिन अनुपमा कितनों की जिम्मेदारी लोगी, एक तो बदतमीज आपके घर में है ही, और अब मालती देवी और बरखा और इसका भी सच जानते हुए भी आप इनको अभी तक कुछ नहीं कह रही है, तो ये तो खाली बोल के ऐसी बात बोलने से इन लोगों को असर नहीं होने वाला, इनके लिए सख्त एक्शन लो तभी इनको पता चलेगा। कल मैम आपके भी वीडियो में बताया कि अधिक कुमार ने पाखी को बताया कि तुम माँ बनने के लायक नहीं हो, माँ बनने के लिए दिल में थोड़ी सी ममता होनी चाहिए, और आज के एपिसोड में भी पाखी ने कितनी गलत तरीके से छोटी को बताया कि मैं लत से माँ बन सकूँगी, फिर मेरी मम्मी का पूरा ध्यान मेरे बच्चे पे ही रहेगा,
तुम्हें वो छोड़ देंगी। अच्छा हुआ आज पाखी छोटी अनु ने जवाब दे दिया कि पाखी दीदी आप बड़ी हो गई है लेकिन आप इस तरह की बातें करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मम्मी ने मुझे कान्हा जी के सामने कहा है कि वो मुझे कभी नहीं भूलेंगी। ये लोग सब मिलकर छोटी अनु के दिल में, अपने जैसे अपने वीडियो में बताया कि ये लोग छोटी अनु के दिल में दिमाग में नफरत भर देंगे। और अनुपमा हर किसी के साथ अच्छा करती है। आज वो रोमिल थोड़ा भावुक हो गया था तो भी रोमिल को भी उसने समझाया कि तुम यहाँ आए थे तब हमें हम लोगों को गलत समझते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी मम्मी को गलत समझ रहे हो, उनकी कोई ऐसी होगी बात। तो अनुपमा किसी के बारे में नहीं जानती तो भी बच्चों को नहीं भड़काती है, तो कान्हा जी उसके साथ गलत कैसे कर सकते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आज के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जो बोओगे वो वही काटोगे, लेकिन यहाँ अनुपमा हर बार अच्छा बोती है लेकिन उसे इस तरह के लोगों का ही, हालांकि अनुज ने भी एक एपिसोड में कहा भी था कि ये सब मसाले हैं और ये होते ही हैं, ये होने ही चाहिए, पर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और सब तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्यों अपने पास रख रहे हो। अपनी फैमिली के साथ US जाने का मौका मिल रहा है तो जाओ अपने छोटे संसार में खुश रहो। और पाखी को तो अब घर से निकालो, इतनी छोटी बच्ची को कल टारगेट बनाना, और कल के आने वाले प्रोमो में जो वो दिखाया जाएगा तो अनुपमा, वर्षा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुपमा बिना सोचे समझे छोटी को डांटेगी नहीं, वो छोटी की भी बात सुनेगी। और ख्याति जी आप रोइए मत, माता पिता और वो दीदी जिनका ना वो भी रो रही थी अपने माता पिता को लेकर, जिनको माता पिता ने जिन्होंने अपने माता पिता को तकलीफ में देखा होता है, माता पिता की तकलीफ क्या होती है वो हम सब जो जिन्होंने इस बात को सहन किया है वो समझ सकते हैं। मत रोइए ख्याति जी, आप सब धीरे धीरे समय पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और रानी जी स्पेशल थैंक यू आपको, आप रोज कमेंट्स में सभी का नाम लेती हैं और आपके कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं। थैंक यू सो मच रानी जी। और कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। कुमुदिनी जी आपका तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ सीखा जाता है, धारावाहिक के अकॉर्डिंग आपको जिससे जो लगता है उसको उसके बारे में वही आप कह देती हैं। अनुज की बात बुरी लगती है तो अनुज को कह देती हैं, और अनुपमा गलती कर रही हो तो आप अनुपमा को कह देती हैं। वर्षा जी आपका हमेशा से ही ऑडियो पॉजिटिविटी देता है, और ख्याति जी आप का भी ऑडियो बहुत अच्छी सीख दे जाता है, रेखा जी आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। सब लोग को मेरा नमस्ते, मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज के एपिसोड में जो दो चीज़ें देखी, एक तो पाखी और एक वनराज, इन दोनों को देख के इनकी जो भी आज इनका सीन था वो सीन देख के आज तो मैं रोक ही नहीं पाई ऑडियो बनाने से। मतलब इतना खराब, इतना गुस्सा आ रहा है इनकी हरकतें देख देख के, और उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन अब क्यों नहीं लिया जा रहा है, किस चीज़ का वेट हो रहा है, इतना वेट क्यों हो रहा है। पाखी ने जो छोटे के साथ सुबह किया वो अब वो छोटी स्कूल से भी आ गई है, अनुज अनुपमा चलो ऑफिस में है लेकिन अब वही लग रहा है जिस तरह से उनका मूड है इस समय। चलो ठीक है, रोमांस कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो भी अब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि अब भी पाखी के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग हेडेड एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। पाखी ने वही, मुझे इतना गुस्सा आया, एक तरफ तो ये पाखी को माँ बनने का भूत सवार है, दूसरी तरफ भाई वो छोटी बच्ची उसको बुला के अपने पास उसको उसके कान भर रही है, उसको बोल रही कि मम्मी तुझे भूल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि कम्मी मम्मी मुझे भूल गई तो तुझे भी भूल जाएगी, अब खुद अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन उस बच्ची के मन में जहर भरे जा रही है और बड़ी खुशी से बोल रही है कि मम्मी तो तुझे भूल जाएगी। मतलब वह बड़ा अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है कि मम्मी अगर एक बच्चे को भूल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये इतनी डिसगस्टिंग लड़की है, भगवान मैं तो क्या ही बोलूँ। मतलब अगर इसका बच्चा अगर हुआ ना तो भाई उस बच्चे के लिए तो भगवान ही उस बच्चे को बचा सकता है।
क्योंकि ये तो पूरा बर्बाद ही करेगी उस बच्चे को भी। आज भी उसको अपने इमेजिनेशन में देखा कि बच्चे के साथ खेल रही है, लेकिन वही उसको लग रहा है कि बच्चा मतलब से उसके साथ खेलना नहीं होता है। वो सुसु पॉटी करेगा तो वो साफ़ करनी होती है, वो रोएगा रात में बीच में उठ के तो उसको चुप कराना होता है, वो बीमार पड़ेगा तो बीमारी में तो बच्चे और रोते हैं बुरी तरह से, वो तब उसको शांत करना, उसको ठीक करना, वो कितना मतलब एक अलग ही तरह का स्ट्रेस होता है जो बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर से बॉडी में 1000 चेंजेस होते हैं, वो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही ना, जब आप पढ़ेगी लात तब समझ आएगी, अब उसके बाद भी समझ नहीं आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन अपना गुस्सा सारा दूसरों पे निकालेगी। आज जिस तरह से बोली कि मुझे तो बेबी से मतलब है, बाकी भाड़ में जाए, उसी बेबी के लिए बाद में जो जिनको भाड़ में भेज रही है उन्हीं को वापस बुलाएगी कि आओ मेरे बेबी को संभालो, मुझे संभालो, मुझे दर्द हो रहा है मुझे संभालो, मेरा बच्चा रो रहा है मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, मेरा मूड ख़राब हो रहा है तुम इसे संभालो, यही होगा। तो इससे पहले ही चीज़ें आए भगवान, इट्स बेटर कि अनुज अनुपमा उसे घर से निकाले, क्योंकि अगर ये घर में रहेगी तो ये और इनकी लाइफ को दुर्गत करेगी। अनुज अनुपमा जो US जाने का सोच रहे हैं, उनके US के प्लान पे कचड़ा फिर कचड़ा हो जाएगा उस प्लान का, अगर अभी भी पाखी को घर से नहीं निकाला तो। अब इतने एपिसोड से वेट करें कि अब कुछ करेंगे अब कुछ करेंगे, मुझे समझ नहीं आता और कितना वेट करवा रहे हैं, किस बात का हाइप क्रिएट कर रहे हैं मेकर्स ऐसा करके, भाई अपने ही शो की TRP गिरा रहे, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ऑडियंस को इन ये पाखी जैसे कैरेक्टर को देखना। फिर वनराज का कैरेक्टर थोड़ा ठीक हुआ था, फिर से वही पुराना सुर में चला गया। जब यही बात काव्या को वो कुछ महीने पहले क्लियर कट बोल देता कि भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा तुम्हारे बेबी को, तो काव्या एटलीस्ट सोच लेती अब इस स्टेज पे है प्रेगनेंसी की, किसी 7वां या 8वां महीना लगा है, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती, तो अब इसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में उसको रहना पड़ेगा, वहीं डिलीवरी होगी। और वही लगता है कि कल अभी से वनराज इतना भेदभाव कर रहा है तो जब बेबी आ जाएगा तब भी भेदभाव करेगा, कल को डिम्पी का बेबी होगा, काव्या का बेबी होगा, तो सबके सब वनराज भेदभाव करेगा तो बाबी करेगी, और डिम्पी चलो डिम्पी और बापूजी नहीं करेंगे, बट डिम्पी के लिए भाई चाहे जो भी उसका अपना बच्चा पहले प्रायोरिटी पे आएगा ना, और बापूजी बेचारे तो भाई अब उनकी ऐसी हालत हो रही कि वो तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काव्या के लिए तो इतना बुरा लग रहा है आज के एपिसोड में, उसकी पूरी जर्नी अगर हम याद करें तो शुरू से लेके अब तक उसने जो भी किया सब कुछ वनराज के लिए, वनराज के लिए उसके साथ काम करती थी, उसके साथ रहने के लिए, मतलब वनराज ने कहा कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही अफेयर करेंगे, तो वो वैसे भी रहने को तैयार थी हर तरह से। बीच में उसको दौरे पड़ते थे लेकिन वनराज अगर एक बार बोल देता था कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे तो वैसे ही रहती थी। कभी कभी लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें काव्या का तो सबसे ज़्यादा नुकसान ही है, आज तक जो भी हुआ है काव्या ने वनराज से प्यार करके अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। इससे अच्छा अपने एक्स हस्बैंड के साथ थोड़ा लड़ झगड़ के रह लेती, क्योंकि अब बेबी भी उसी से हो रहा है, तो यही लगता है कि काव्या को तो शायद अपने एक्स हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए था, वो प्यार भी उससे इतना करता था, अब शायद नहीं करता, लेकिन हाँ उस समय अगर वो उसे मौका देती तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाती। लेकिन वनराज से प्यार करके भी उसने अपने आप को पहले तो दूसरी औरत बनाया, पूरी सोसाइटी की नज़र में गिरी, फिर जैसे तैसे लड़ झगड़ के शादी की, फैमिली की नज़र में गिरी, और ऐसी गिरी कि आज तक उठ नहीं पाई है, मतलब अभी भी चाह के फैमिली ने अब जाके कहीं उसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन जब एक्सेप्ट करना चाहिए था तब नहीं किया। फिर उसी वनराज के लिए उसने अपने आप को चेंज भी किया, पूरा चेंज किया, एकदम अच्छी बहू बनी, सब कुछ किया, लेकिन अभी भी उसके बाद भी वनराज ने क्या किया, हर बार उस पर पहले तो ध्यान नहीं दिया, कभी उसे अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया, फिर अनुपमा के पीछे पड़ गया, अनुपमा पे फिर से उसको अपनी लाइफ में लाने की सोच रहा था, मतलब सब बड़ा बोलते कि काव्या ने वनराज के साथ धोखा किया, लेकिन वनराज ने भी ऐसी हरकतें की हैं, वो भी तो काव्या के होते हुए अनुपमा को अपनी लाइफ में वापस लाने की सोच रहा था, ये डिसलॉयल्टी नहीं है। मतलब वनराज जो चाहे कर सकता है, वो उसको सब अलाउड है, लेकिन काव्या से गलती हुई, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि काव्या ने गलती मतलब उसकी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रही, कोई नहीं कर सकता, लेकिन काव्या ने जो गलती की उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने इंसिडेंट्स हैं, कितना कुछ है जिसने काव्या को मेंटली कितना परेशान किया है, वो भी चीज़ देखने वाली है। और अभी भी वनराज फिर वही भेदभाव कर रहा है जो आज तक करता आया है, काव्या कभी उसकी प्रायोरिटी नहीं थी और आज भी नहीं है। और फिर कल को अगर वही मुझे लग रहा है कि कल को
बेबी होगा तो उसको भी बहुत भेदभाव झेलना पड़ेगा सबका, क्योंकि अगर वनराज भेदभाव करेगा तो बा भी करेगी। फिर डिम्पी भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन हाँ उसके लिए तो ऑफकोर्स उसका बच्चा पहले आएगा, काव्या का बाद में आएगा। और कहीं डिम्पी का बेबी भी वनराज और बा को देख के यही सब सीखेगा तो, कि मतलब कि वो दूसरा काव्य का जो भी बेबी होगा उसको वो इन्फीरियर है, वो हमारा नहीं, वो अपना नहीं है, यही करके सीखेगा तो बाबूजी अकेले बेचारे कितना प्यार कर लेंगे उसको। तो कभी तो ये लगता है कि काव्या उस घर को परमानेंटली छोड़ के चली जाए, मतलब ठीक है अकेले रहना मुश्किल है लेकिन हाँ कर सकती है। मतलब ऐसे मुझे आई डोंट नो, मतलब क्या, मतलब मैं समझती हूँ फैमिली का होना ज़रूरी है, लेकिन एक नेगेटिव जगह, एक नेगेटिविटी के माहौल में जो फैमिली आपको नेगेटिविटी दे रही है, उससे बेहतर तो है कि आप अपने बेबी के साथ अकेले रहो, मुझे तो यही लगता है। बाकी अब देखते हैं कहानी आगे कैसे बढ़ती है, लेकिन हाँ काव्या के लिए तो सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है कि वो कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन वनराज और उसकी फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी ना अब, और उसके बेबी को भी नहीं करेगी। जो सौतेलापन या परायापन जो काव्या आज तक झेलती आई है, अब उसके बेबी को भी झेलना पड़ेगा अगर वो उस फैमिली में रहे तो। तो आज का ऑडियो यहीं तक, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा नमस्ते, बहुत सारा प्यार। आज का एपिसोड देखा, अनुज अनुपमा का रोमांस बड़ा अच्छा लगा, एक दूसरे से बात करते हुए भी बहुत अच्छा लगा, हमको जिस तरह से अनुज से बात कर रहा था वो भी बड़ा अच्छा लगा, पर पाखी जो व्यवहार कर रही वो बहुत गलत लगा। पाखी ने आज जो छोटी को कहा वो बहुत गलत कहा, पर छोटी ने जवाब दिया बहुत, छोटी का जवाब सुन के अच्छा लगा, पर छोटी को भड़का रहे ये गलत कर रहे हैं। छोटी की शिकायत लेके जो रिकैप में आया कि छोटी की शिकायत लेके जो आए हैं, तो मैंने यूट्यूब पे एक चैनल पे देखा कि छोटी अनुपमा से नफरत करती है और छोटी अनुपमा को कहती है मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूँगी, और अनुज अनुपमा को ही ब्लेम करता है, तो ये गलत है। हर बार अनुपमा को ही क्यों ब्लेम करे, हर बार अनुपमा को ही क्यों सूली पे टंगा जाए, शाहूस वाले भी टंगाते हैं। पाखी ने तो अनुपमा को नौकरानी समझ रखा है, जब मन में आए तब जूते मारो और मेरे बच्चों का वही करे, क्यों तुमको बच्चा चाहिए तुम करो, बच्चा करना एक सेटला काम नहीं है, बच्चे को 9 महीने पेट में रखना, उसकी सूशी सब काप साफ करना, अपन गिले में सोना, उसको सूखे में सुलाना, ये सब एक माँ ही करती है। और जिस तरह से पाखी ने बोला, मेरा एक ही कहना है कि अरे उस माँ का भी दिल होता है, जिस मतलब बहुत से घरों में भी ब्लेम बहुओं पे डाला जाता है कि इसकी वजह से इसने बिगाड़ा, इसने ये करा, उसने ये करा, ये गलत है। हर बार क्यों अनुपमा पे ही ब्लेम होना चाहिए, और उसका भी दिल है, उसका भी दिल दुखता है, वो एक माँ है तो क्या हो गया, उसको दिल नहीं है, इंसान नहीं है, उसने क्या सबकी ही चाकरी करना चाहिए, फिर भी वो ही गलत, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार तो, ऐसा नहीं। और छोटी अनु को अनुपमा से नफरत करते हुए या अनुपमा से दूर, हमको तो मान को दूर देखना ही नहीं है, पर वनराज वाकई में एहसान फरामोश है और कुत्ते की दूम है। मैं बोलती हूँ ना पहले से ही कि वो कुत्ते की दूम है, वो सही बात है। आज उसने कह दिया कि वो काव्या के बच्चे को नहीं अपनाएगा, वो डिम्पी पे है, अनुपमा पे जिस तरह से अनुज के लिए पाबंदी लगाता था ना, अनुज के लिए अनसेंटर बोलता था, वो ही वो डिम्पी के लिए कर रहा है, वो गलत कर रहा है। ऐसा हुआ तो डिम्पी खुद ही भाग के शादी कर लेगी टीटू से, और अब है ना टीटू से शादी कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये दिखा रहे। पर बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेकर से कि अनुज अनुपमा को अलग ना दिखाए, यूरोप जाते हैं साथ में जाए। आज अजय अनुज ने कहा ना कि मुझे बुढ़ापा अनुपमा के साथ ही बिताना है, मुझे भी है ना सब ऐसा ही देखना है कि अनुज अनुपमा का इनका कुछ अच्छा दिखाओ, बहुत हो गया, और मालती बरखा और इनको भगाओ। मालती देवी तो बहुत गलत कर रही है, अगर ना वो माँ बन सकी, ना सास बन सकी, ना गुरु बन सकी, ना एक दादी ढंग से बन सकी, छोटे बच्चों को ये कर रहे हैं। अब देखो कल बताएंगे कि अनुपमा तो उसको समझाएगी, पर मेरे को छोटी अनु को अनुपमा से नफरत करते हुए नहीं दी, वो पूरी कदर से टूट जाएगी उसको, वाकई में बहुत तकलीफ़ होती है जब अपने बच्चे अपने को कुछ बोलते हैं ना,
बहुत तकलीफ होती है, उस माँ के दिल को कोई नहीं समझता। थैंक यू अंजू मैम, अगर मैंने कुछ गलत बोला हुआ तो उसके लिए सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और रानी महेंद्रू जी, रानी श्रीवास्तव जी और अनीता जी, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बहुत बहुत धन्यवाद। और ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी, आपका छोटी के बारे में सारी बातें सही हैं, ऑडियो अच्छा था आपका। तोसु ने बदतमीजी की थी अनुपमा से, पर कपाड़िया हाउस में जाकर नहीं रहा था। ये पाखी बदतमीज तो डेरा डाल कर बैठी हुई है, 24 घंटे बदतमीजी करती है माँ के साथ पाखी। अनुपमा के दोनों बच्चे बहुत ही नकारा और बदतमीज हैं, सिर्फ समर ही अच्छा था, वो अनुपमा की केयर करता था तो भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। अच्छे लोगों की हर जगह ज़रूरत होती है। ख्याति जी, आपने कहा कि मेरी बात हो सकता है सहेलियों को बुरी लगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और ये प्लेटफॉर्म ही है, इसीलिए अपने अपने उद्गारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। हमको ये नहीं देखना है कि किसी को बुरा लगेगा या अच्छा, जो हमको जैसा लगता है वही हम बोलेंगे। तो ख्याति जी, ये कभी मत सोचिए कि आपकी बातें सबको कैसी लगेंगी। कल चर्चा हो रही थी कि पाखी जैसे बच्चों के लिए, अगर ऐसे बच्चे हम लोगों के घरों में होते हैं तो डिसीज़न अलग होता है। जब बात अपने बच्चों की आती है रियल ज़िंदगी में, तो ये बात 100% सत्य है। पर यह बात भी सत्य है कि रियल ज़िंदगी में अनुपमा की तरह किसी को भी अपने घर में नहीं रख लिया जाता है। घर ना हो गया होटल हो या सराय खाना, जो मिलता जाए घर में रखते जाओ और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते जाओ। ऐसा अच्छा होना भी क्या है कि अपने ही आशियाने में आग लगाते जाओ। आज का एपिसोड देखा, अनुज की दुनिया ही बदल गई अनुपमा से मिलने के बाद। अनुज को सब पुराना याद आ रहा है, पता नहीं क्यों अनुज की इतनी प्यार भरी बातों से डर सा लग रहा है। वनराज काव्या की केयर कर रहा है पर उससे कटा कटा सा रहता है। वनराज ने अपनी मन की बात बता दी काव्या को कि डिम्पी के बच्चे में शाह परिवार का खून है और तुम्हारे बच्चे में नहीं। हमको नहीं लगता है कि वनराज काव्या के बच्चे को अपनाएगा। काव्या तो बिल्कुल अकेली पड़ गई और पाखी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है माँ बनने के लिए। पाखी सच में बहुत बदतमीज और बद दिमाग लड़की है। देखो, छोटी के कोमल मन में फिर वही बात डाल रही है कि मेरा बच्चा जब आएगा तो मेरी मम्मी सिर्फ उसको प्यार करेगी और तुमको भूल जाएगी। इतनी छोटी बच्ची पाखी को मुंह तोड़ जवाब देती है। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो पाखी, सच में तुमने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। ये कभी माँ ना बन पाएगी क्योंकि इसका मन बहुत मैला है। कोई इतना गंदा कैसे हो सकता है, सबके सब छोटी के पीछे पड़ के रह गए हैं। मान के प्यार के सीन बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छा लगा। पर लगता है अब विरह के दिन आने वाले हैं मान के। वनराज घर पर बा बाबूजी डिम्पी तीनों को अच्छे से केयर कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जो इंसान कभी पानी भी अपने खुद से नहीं पीता था, आज वो चाय बनाकर दे रहा है, अच्छा लगा। पर वो काव्या को इग्नोर कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा है काव्या कुछ डिसीजन ले तो बहुत अच्छी बात है। अनुपमा का प्यार पाकर रोमिल की आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। रोमिल की फ्रेंड मिलने आती है तो अनुपमा इशारा करके रोमिल को चिढ़ाती है। और प्री कैब वही था पुराना कल जो दिखाया गया था। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद सब लोगों को मेरा नमस्ते। मैं ममता कोटा से। आज का एपिसोड देख के थोड़ा मन सही हुआ कि अनुज और अनुपमा अलग नहीं होंगे, मान अलग नहीं होंगी, मान को साथ में ही देखना है। छोटी ने जो कहा बाकी से वो बहुत ही अच्छी बात कही। आप बड़े हो गए हो और वनराज ने फिर हद्दी कर दी अपना 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 करके। इन लोगों का समझ में नहीं आता बरखा मालती और बाकी का क्या फैसला लेंगे अनुज और अनुपमा। मैं तो यही चाहती हूँ इन तीनों को निकाल दे अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से। इन तीनों को नहीं देखना चाहते हम लोग, अनुपमा के घर में नहीं देखना चाहते। नमस्ते अंजू मैम, बस इतना ही।
ये थे दोस्तों आज के आपके रिव्यूज, आपके ऑडियोज, जिन्होंने नहीं भेजे हैं अगर भेजना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।